Hello everyone, welcome back to Mukhtanival tutorial, and in this video we're going to start with a new chapter, which is excretory products and their elimination. This is the chapter 19th of 11th class biology book, so let's start with this chapter today. First of all, we talk about the what is excretory product. Wo hota kya hai? Wo kaun se hote hain, jaise ammonia hota hai, urea hota hai, uric acid hota hai, CO2 hota hai, water hota hai, ions hote hain. Ions kaise, jaise sodium, potassium, calcium, phosphate, sulfate. ये सारे के सारे किस में आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आते हैं. और अगर ये हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक रह जाते हैं, यानी हाई क्वांटिटी के अंदर अगर स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट देते हैं. इसकी वजह से जो ऑर्गन फेलियर के भी चांसेस होते हैं और कुछ और डिजीज होने के भी चांसेस हो जाते हैं. इसीलिए इनका जो एलिमिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी बॉडी से रिमूवल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बनते कहाँ कहाँ पे हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी से भी बन सकते हैं. जैसे हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो हमने फूड खाया है उसका डाइजेशन करते वक्त बहुत सारे केमिकल फूड के साथ मिक्स किए जाते हैं. जैसे स्टमक के अंदर HCl होता है, फिर बाइल जूस वगैरह होते हैं, बाकी और जो जूस वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी केमिकल जो मिक्स हो रहा है उसी की वजह से ये बन जाते हैं, ये आयंस वगैरह बनने लग जाते हैं, या फिर ये जो प्रोडक्ट होता है ये बनने लग जाते हैं. या फिर अगर हम एक्सेस इंजेक्शन करते हैं, यानी बाहर से हम इनका सोर्स की चीजें खाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये आ जाते हैं, और ये ज्यादा आने की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिससे ये रिमूव हो सकते हैं, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं. अब बात करते हैं, काफी सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो अलग होता है. जैसे अमोनोटेलिज्म की बात करते हैं, अमोनोटेलिज्म में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अमोनिया. तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सक्रीट किया जाएगा अमोनिया. और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जैसे बोनीफिश होती हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं. तो ये सारे एग्जांपल हैं इसके. जो अमोनिया होता है ये काफी कम सॉल्यूबल हो पाता है ब्लड के अंदर, या फिर जो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी बहुत कम होती है. इसलिए ये क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से ये बाहर निकल जाता है. मेनली जो अगर हम फिश की बात करें तो ये गिल सरफेस से डिफ्यूज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इस हिसाब से इनका एलिमिनेशन हो जाता है. दूसरे टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक कौन से होते हैं, जो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं. जैसे मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं वो होते हैं, मैराइन फिशेस होते हैं. और ये किसके फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए इसको यूरियोटेलिक बोलते हैं. अब अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. तो अब क्या हुआ, जब यूरियोटेलिक बनते कैसे, यानी यूरिया हमारी बॉडी में बन कैसे रहा है, तो पहले अमोनिया तो हमारी बॉडी में बन गया, मेटाबॉलिज्म से बन गया है, या फिर कहीं से भी किसी भी सोर्स से हमारा, जैसे अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर आ गया है. अब ये अमोनिया क्या होगा, कन्वर्ट होगा यूरिया के अंदर, कहाँ पे, लिवर के अंदर. तो लिवर के अंदर जैसे ही मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी तब जो ये अमोनिया होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया के अंदर. ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी. और फिर ये जो यूरिया होगा ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा. और ये ब्लड वेसल्स कहाँ पे जाएंगी, किडनी वाले पोर्शन के अंदर जाएंगी, और जिसकी वजह से किडनी वहां पे क्या करेगी, इसको फिल्टर करेगी और कलेक्टिंग डक्ट में डाल देगी. जितना भी यूरिया होगा ये अलग निकाल दिया जाएगा, और फिल्टर आउट जो ब्लड होगा उसको वापस भेज दिया जाएगा. कहते हैं यूरिकोटेलिक. यूरिकोटेलिक वो एनिमल्स होते हैं जो यूरिक एसिड के फॉर्म में सिक्रीट करते हैं, यानी ये भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एसिड होता है. जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लैंड स्नेल होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे यूरिकोटेलिक होते हैं. इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है जो आपको याद रखनी, यानी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर जो होता है वो एक्सक्रीशन किसका होता है, यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं वो मिनिमम लॉस करते हैं वाटर का. फिर देखते हैं एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफी सारे टाइप के होते हैं. जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो किस में पाया जाता है, प्लेंटी हेलमिंथ में पाया जाता है, रोटिफर्स में पाया जाता है, एनालिड्स के अंदर पाया जाता है, सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है. और प्लेंटी हेलमिंथ में कौन से आते हैं, जैसे फ्लैट वॉर्म्स होता है या प्लेनेरिया जो होता है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं जिसमें प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है. तो गाइज ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखनी है प्रोटोनेफ्रीडिया किसके अंदर पाया जाता है, नेफ्रीडिया जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है वो काम क्या करता है, यानी आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम के ऊपर रेगुलेट करता है, यानी ये फिल्ट्रेशन कैसे करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से ये फिल्ट्रेशन करता है, ऐसे ये प्रोसेस करता है अपना. फिर आते हैं नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ये किसके अंदर पाया जाता है, यानी अर्थ वॉर्म में और कुछ एनालिड्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है.
दे आर द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ट्यूब्यूलर फॉर्म का होता है, एंड इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो कॉमन जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, साथ मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. तो फ्लूइड जो होता है वो बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है, साथ में आयनिक बैलेंस जो होता है वो भी बनाए रखने में हेल्प करता है नेफ्रीडिया. फिर आते हैं मेल्फियन ट्यूब्यूल्स. मेल्फियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर? कॉकरोचेस वगैरह में होती है, यानी कुछ इंसेक्ट्स के अंदर होता है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. फिर आते हैं ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको. ये किसमें होते हैं? ये क्रस्टेशियंस में होते हैं, जैसे प्राउन जो होता है उसके अंदर पाया जाता है ये. तो ये सारे के सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजम्स के अंदर पाए जाते हैं. बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? यानी एक पेयर किडनी का आता है इसके अंदर, वन पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है. यानी हम इसे फिगर में देखते हैं तो गाइस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा नॉर्मल एक किडनी का और एक हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का. इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? दो होती है किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है. तो यूरेथ्रा वो पोर्शन होता है जहां से एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है. यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. यूरेथ्रा जो होता है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो यूरिन को लेके आना होता है तो वो एक पैसेज का काम करता है. और किडनी का जो काम होता है वो फिल्ट्रेशन होता है. किडनी के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे पेल्विस होता है, मेड्यूला होता है और सबसे आउटर मोस्ट जो होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं. इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जैसे इंफीरियर वेना केवा और एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है यहाँ पे. रीनल आर्टरीज भी पाई जाती है और रीनल वेन्स के अंदर वेन्स भी इसमें पाई जाती है. तो ये नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है हमारा, कैसा एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. जो किडनी होती है ये एक रेडिश ब्राउन बीन शेप का एक स्ट्रक्चर होता है. और ये अंदर के साइड अगर हम कॉन्केव सरफेस के देखें तो अंदर के साइड इसके अंदर एक नॉच होती है जिसको हम हीलियम बोलते हैं. हीलियम एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें, यानी जैसे यूरेटर होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ये जब एंटर करती है हमारी किडनी के अंदर तो उस एंटर वाले जो एंट्री वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं. यानी हम फिगर में देखते हैं इसे, यानी ये वाला जो ये बीच वाला पोर्शन है जहां से ये सारी चीजें एंटर कर रही है, यानी ब्लड वेसल्स भी जा रही है, यूरेटर वाला जो पोर्शन है वो भी जा रहा है. तो और इसके बिल्कुल सामने जिसके आगे अगर आएंगे तो वो कौन सा आ जाएगा पोर्शन? पेल्विस वाला पोर्शन आता है. तो इसको हम हीलियम बोलते हैं. तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट, हीलियम कहाँ पे पाया जाता है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है. और उसके बाद हीलियम के बाद कौन सा सरफेस आता है? यानी रीनल पेल्विस वाला पोर्शन आता है. जो किडनी होती है इसका फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? यानी नेफ्रॉन्स होते हैं. और ये बहुत सारी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जैसे अगर हम नियरली एक अगर इसकी बात करें एक किडनी के अंदर तो नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको नेफ्रॉन बोला जाता है. और यही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिल्टर करने में हेल्प करते हैं. फिर आता है इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्लोमुलस बोलते हैं. यानी ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एक्यूमुलेट हो रखी होती है. यानी इसको हम ब्लड वेसल्स नहीं बोलेंगे, ये एफरेंट आर्टियोल्स होती है, यानी रीनल आर्टरीज. वो बहुत फाइन ब्रांच होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा फाइन होती है, इसलिए इसको आर्टियोल बोला जाता है. और ये एफरेंट आर्टरीज ग्लोमुलर वाले पोर्शन जो है उसको बना रही होती है. और ये काफी एक टफ कैपिलरी वाला पोर्शन होता है. और जो ग्लोमुलस है प्लस बोमन कैप्सूल, यानी इसके नीचे जो आता है वो बोमन कैप्सूल आता है. तो अगर हम इस पूरे को देखा जाए तो ये क्या बनाता है? मेल्फियन बॉडी जो होती है वो कंप्लीट मेल्फियन बॉडी ये दोनों के दोनों मिलके बनाते हैं. अब पढ़ते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. तो स्ट्रक्चर पहले इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता कैसा है. जैसे सबसे पहले क्या आता है? रीनल कॉर्टेक्स, यानी जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा कौन सा होगा? रीनल कॉर्टेक्स होगा. उसके अंदर आएगा रीनल मेड्यूला. मेड्यूला जो होता है बीच वाला पोर्शन होता है. तो ये पिरामिड टाइप का जो दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन कौन सा है? रीनल मेड्यूला. फिर आता है रीनल कॉलम्स. रीनल कॉलम्स कौन से होते हैं? जो दो पिरामिड टाइप के जो मेड्यूला वाला पोर्शन आपको दिख रहा है उनके बीच वाला जो स्पेस होता है उसको रीनल कॉलम बोलते हैं. रीनल पिरामिड कौन से होते हैं? यानी जो मेड्यूला वाला जो पूरा पोर्शन है उसके जो ये ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रही है ये रीनल पिरामिड कहलाता है. रीनल साइनस कौन सा होता है? यहाँ पे ये खत्म हो रहा होता है, यानी जो पिरामिड है वो खत्म हो रहा है और बाकी जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है. फिर देखते हैं उसके बाद क्या आता है. रीनल कैप्सूल कौन सा होता है? जो बाहर से उसको क्लोज करता है, यानी जिसके अंदर कॉर्टेक्स वाला पोर्शन भी आ जाता है और मेड्यूला वाला पोर्शन भी आ जाता है. तो वो कौन सा होता है? रीनल कैप्सूल होता है. अब बीच के पोर्शन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए और कलेक्शन के लिए. फिर देखते हैं सबसे पहले क्या आता है? नेफ्रॉन. नेफ्रॉन कहाँ पे होता है? जो उसका माउथ होता है, यानी
जो ग्लोम्यूलस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो कॉर्टेक्स वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, और बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का वो कहाँ पे मेड्यूला वाले पोर्शन के ऊपर होता है। तो ये है क्या, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर डिटेल स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि यूरिन जो होता है उसका पाथ कैसे लिया जाता है, यानी जो नेफ्रॉन होते हैं यही होते हैं जो फिल्टर करते हैं। तो यहाँ से ब्लड वेसल जो होंगे वो फिल्टर किया, उन्होंने अपना जितना भी एक्सक्रीट नेफ्रॉन है उसके अंदर डाल दिया। नेफ्रॉन से ये अब कहाँ पे आ गए, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ गए। कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ जाएंगे, पेपिलरी डक्ट इन रीनल पिरामिड के अंदर ये जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद ये कौन से पोर्शन में आएंगे, यानी माइनर कैलेक के अंदर आएंगे। उसके बाद ये कौन से में आएंगे, मेजर कैलेक्स, यानी उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो मेजर कैलेक्स है। तो ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, फिर रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कौन सा है, ये वाला पोर्शन रीनल पेल्विस का है। उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ से क्रॉस होते हुए यूरेटर के अंदर आ जाएंगे, और फिर यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यहाँ से ये नीचे चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर होगा उसके अंदर ये कलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा यूरिन। तो है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन फॉर्म होने के लिए दो स्टेप क्रॉस करने पड़ते हैं, यानी पहला स्टेप जो होता है वो होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये मेन फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन जो होती है वो ग्लोमुलर के पास होती है, यानी जो हमारे पास एफ्रेंट आरटीओल होता है वहां पे, और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो बोमेन कैप्सूल के यहाँ पे होता है। यानी अब हमारे पास ये हमारे पास आर्टरीज है, यहाँ से ब्लड जो होगा वो अपना ज्यादातर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सारा का सारा यहाँ से रिलीज कर देगा। कहाँ पे रिलीज करेगा, ये जो बीच वाले स्पेस है इसके अंदर वो रिलीज कर देगा, यानी यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सारा का सारा यहाँ आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये किससे आ जाएगा, ये ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से आएगा, यानी ग्लोमुलर वाला पोर्शन है वहां से फिल्टर हो गया है। अब यहाँ से ये फिल्टर्ड पोर्शन नीचे तक भी जाना है, यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर भी जाना है, इसके लिए कौन सा प्रोसेस लेना पड़ेगा, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा वाला फिल्ट्रेशन होता है, यानी इसमें पोडोसाइट्स होते हैं जो मेन फिल्ट्रेशन निभाते हैं। तो वो जो सेल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्लिट टाइप की स्पेस होती है, यानी बहुत कम स्पेस होती है, जिसकी वजह से जो जो ब्लड होता है उसमें ज्यादातर जो प्लाज्मा होता है वो तो पास हो जाता है, लेकिन जो प्रोटीन वाले पोर्शन होते हैं वो नहीं हो पाते, बाकी सारी चीज हमारी पास ऑन हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारे जो ये जो बोमेन कैप्सूल होता है उसके अंदर ज्यादातर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, साथ में कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी होते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी होता है, वो बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वो सारा का सारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बॉडी के अंदर, सॉरी बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज है कि कितना हमारा ब्लड जो होता है वो फिल्टर हो जाता है पर मिनट के हिसाब से। तो 1100 से 1200 ml ब्लड जो होता है वो फिल्टर हो जाता है पर मिनट। और ये कितना होता है, ये 1/5 होता है कि कितना एक मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो पंप कर पाता है। और द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इसको GRF कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइज, ये बार बार यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, यानी कितना जो अमाउंट है वो फिल्टर हुआ है पर किडनी पर मिनट। अब देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हमारा जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे जो काफी सारी की सारी जो आर्टियोल है इसका एक बॉल टाइप का बन जाता है। और ये आर्टियोल कौन सी, यानी एफ्रेंट आर्टियोल जो होती है वो अंदर आती है ग्लोमुलस वाले पोर्शन के अंदर, और निकलती कौन सी है, इफ्रेंट आर्टरियोल जो होती है वो बाहर निकलती है। ये वाला जो पोर्शन इसको ग्लोमुलस बोलते हैं, जो बीच में ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है जो सराउंड कर रहा है उसको उसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये आता है हमारे पास, जो कि थोड़ा सा इसका जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो होता है उसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा पतला होता है उसके हिसाब से। फिर आता है, उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट आता है ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, यानी यहाँ से हमारे सारा का जो फिल्ट्रेशन होता है वो जा रहा होता है। मेन फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, ग्लोमुलर वाला पोर्शन है उसे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और बोमेन वाले कैप्सूल के अंदर जब जो हमारा जो यूरिन है या फिर बाकी जो प्रोडक्ट है जो ब्लड से फिल्टर होके निकले हैं यहाँ पे, तो वो सारी के सारी चीज क्या किस में आ जाएंगी, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और ये बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। उसके बाद जब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और बाकी जो इन सारी यूनिट्स के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तो वो ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से चीजें बाहर भी निकलती रहेंगी और रीअब्सॉर्ब भी होती रहेंगी, यानी
जो आयंस वगैरह होंगे या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे जिसकी हम आगे बात करेंगे. एक एक हम यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी चीज निकलती है, किसके लिए परमिट करती है कि हाँ वाटर रिलीज हो सकता है, आयंस रिलीज नहीं हो सकते, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स उनके लिए क्या चीज है. तो बहुत सारी की सारी हम एक एक करके पूरी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. लेकिन आपको एक बार ये क्लियर होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट होता कैसे है, जो नेफ्रॉन होता है वो वर्क कैसे करता है. अब बात करते हैं ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है और कितना होता है. यानी इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इट्स अप्रोक्स 125 ml पर मिनट, यानी 125 ml पर मिनट वो फिल्टर हो जाता है हमारा. तो इसके मतलब क्या होता है, पर डे कितना आ जाएगा, 180 लीटर जो होता है वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो जाता है एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर. ये फिल्ट्रेशन जो रेट होता है ये कंट्रोल कौन करता है, जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस यानी JGA. ये जो होते हैं ये ऐसी यूनिट होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि लास्ट पॉइंट होता है. यानी ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल होगा, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आएंगे, फिर लूप ऑफ हैनले आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों, फिर हमारे पास यहाँ आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और उसके बाद जो आता है वो कलेक्टिंग डक्ट होती है. तो इस पोर्शन के अंदर ये जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस प्रेजेंट होता है जो कि काफी सेंसिटिव होता है. और ये क्या मेंटेन करके रखता है कि किस हिसाब से हमारा जो कितने आयंस वगैरह प्रेजेंट है, किस हिसाब से है, या फिर जो GFR है यानी ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारा का सारा फंक्शन इन्होंने करना होता है. अगर एक केस आता है जहां पे जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है अगर वो कम हो जाता है, फॉल डाउन करता है, तो उससे क्या होगा, ये एक्टिवेट करता है जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स को. एक्टिवेट होने की वजह से वो क्या रिलीज करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं, और जिसकी वजह से जो ग्लोमुलर ब्लड फ्लो होता है वो वापस इंक्रीज हो जाता है. और जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज करेगा तो उस हिसाब से हमारा जो जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो वापस नॉर्मल आ जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ब्लड को साफ करना होता है. तो अगर ब्लड का अमाउंट जो है वो कम आ रहा है, यानी हम पानी वगैरह कम पी रहे हैं, या फिर जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ज्यादातर जो वाटर है वो रिलीज आउट हो रहा है, तो हमारा जो फ्लूइड होगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा. जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता. तो अगर प्रॉपर नहीं हो पाता, जो ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो प्रॉपर नहीं आ पाता उतना, तो उस हिसाब से क्या, कौन एक्टिवेट हो जाएगा, जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. यानी जो वाटर है, रेनिन का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्प्शन करवाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर हो जाता है. ब्लड फ्लो प्रॉपर होते के साथ हमारे पास जो फिल्ट्रेशन रेट है वो नॉर्मल आ जाती है. सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर री एब्जॉर्ब एक्टिवली, वेयर एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो नॉर्मली जो हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, सोडियम होते हैं, ये सारे के सारे तो नॉर्मली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि ये आयंस टाइप होते हैं, तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, कुछ अमाउंट जो होता है उसका भी वापस से रीअब्सॉर्ब किया जाता है. और वो किसके तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, जिसके अंदर ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैसे ट्रांसपोर्ट. और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन the tubular cells secrete substance like H positive, K positive and ammonia. तो ये तीनों चीजें भी कई बार रिलीज की जाती हैं, किस लिए, जिससे बैलेंस बना रहे, यानी एसिड बेस बैलेंस बना रहे, या फिर जितने भी आयनिक चीजें होती हैं, यानी इनका बैलेंस बना रहे. क्योंकि होता क्या है कि फिल्ट्रेशन जो होगा वो मेनली किस चीज की वजह से होता है, यानी डिफ्यूजन टाइप के, जैसे हाई कंसेंट्रेशन जहाँ पे होगा वो हाई कंसेंट्रेशन से जो फ्लूड होगा वो लो कंसेंट्रेशन के अंदर आएगा. तो इस हिसाब से ज्यादातर जो फिल्ट्रेशन होता है वो टेक प्लेस होता है. तो जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वो दूसरी कंसेंट्रेशन के साइड जाएगा, यानी लो कंसेंट्रेशन के साइड जाएगा. लेकिन हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर भी एक कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, जो आयन बैलेंस होता है वो प्रॉपरली होना चाहिए एक नॉर्मल ब्लड को अपने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए. तो उस हिसाब से उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है. तो इसलिए कुछ जो सेल्स होते हैं, यानी जो हमारे पास जो नेफ्रॉन के खुद के जो सेल्स होते हैं वो भी कई बार कुछ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैलेंस है ये बना रहता है. तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे. अगर आपको किसी में भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे क्लियर कर दूंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.